नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आज बहुत ही बड़ा दिन है दोस्तों, महाशिवरात्रि का दोस्तों दिन है, लोग महादेव की पूजा करते हैं इस दिन के अंदर। दोस्तों आज एक ऐसे स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों ऐसा स्टॉक है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ जुड़ा हुआ है और वो आने वाले टाइम में आपके पोर्टफोलियो में दोस्तों महादेव जी की कृपा से आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही ज़्यादा धन की बारिश कर सकता है। स्टॉक का नाम क्या है दोस्तों, उसके ऊपर बात करें उससे पहले, अगर ये स्टॉक बहुत ही बड़ा ग्रुप है और दोस्तों बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे आपको सेल्स दिख रहा है दोस्तों करोड़ में, और 85692 करोड़ का सेल आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी कंपनी है, यानी कि हम बड़े ग्रुप के स्टॉक के ऊपर बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस जो अपने सेल्स को इंक्रीज कर रहा है। दोस्तों 2019 में काफ़ी अच्छा सेल आया था, बट उसके बाद दोस्तों कोविड की वजह से स्लैज हुआ था उनका सेल, बट अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में दोस्तों ये कंपनी भी अपना निवेश करने वाली है। अगर अभी का दोस्तों करंट दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें ये ईयर का, तो 5410 यानी कि बैक ऑन ट्रैक आ गया है और EPS भी काफ़ी अच्छा है। तो अब करना क्या चाहिए ये स्टॉक के ऊपर और कौन सा स्टॉक है उसके ऊपर बात करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देखेंगे दोस्तों, और ये कंपनी है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए होती है। दोस्तों क्यों लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करें तो दोस्तों प्रमोटर के पास 19.47% की होल्डिंग है, FII के पास है 38.66% की होल्डिंग है। अगर FII में कौन है उसको डिटेल में निकालते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट दोस्तों अपना होल्डिंग दोस्तों लास्ट क्वार्टर में उन्होंने इंक्रीज किया है, गवर्नमेंट पेंशन ग्लोबल फंड वो भी अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा बढ़ा रहे हैं। DII की अगर बात करें तो 27.81% का अभी का होल्डिंग है दोस्तों, और लास्ट थर्ड क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस इन्होंने भी अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है। अगर पब्लिक के पास बात की जाए तो दोस्तों सिर्फ 9.95% का होल्डिंग है, और 9.95% के होल्डिंग में भी आप देख सकते हैं कि दोस्तों बड़े नाम थे, बट यहाँ पे पब्लिक के पास बहुत ही रिटेल पे पास बहुत ही कम होल्डिंग है। बाकी अगर देखें तो दोस्तों ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है दोस्तों, 3.92% का इसका एम्प्लॉय के पास दोस्तों स्टॉक है, और 4.03% का टोटल इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी का नाम है दोस्तों, तो सिर्फ नाम काफ़ी है, ग्रुप का नाम काफ़ी है। आपने दोस्तों पता है कि टाटा मोटर एंड महिंद्रा लिमिटेड दो ही ऐसी कंपनी है जो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो खपत है, मारुति सुजुकी के साथ मिलके सब लोग मिलके लीडरशिप में पैसा बना सकती है दोस्तों, और ये दोनों स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब भी बात करें तो हम टाटा मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड दोनों को साथ में रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोस्तों टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, PV, CV, ट्रैक्टर्स और मूवर्स सब में दोस्तों इनका काम है दोस्तों, रिटेल है, हॉस्पिटैलिटी है, और दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज में ये ग्रुप का अगर प्रेजेंस देखें तो ऑटो कंपोनेंट्स में है, स्टील ट्रेडिंग है, प्रोसेसिंग है, IT बिजनेस है, एग्री बिजनेस है, एरोस्पेस है, कंसल्टिंग सर्विस, यानी कि बड़ा ग्रुप की बड़ी कंपनी दोस्तों। अब मार्केट कैप दोस्तों 98,000 करोड़ का है और अभी का प्राइस 791 है दोस्तों। जब भी आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो दोस्तों आप कोई भी स्टॉक को जब लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो आप 3 साल 5 साल वेल्थ क्रिएशन के लिए लेते हैं, और हिस्ट्री भी इसकी कैसी है वेल्थ क्रिएटिंग में वो भी हम बात करेंगे दोस्तों। स्टॉक का PE 18 का है, बुक वैल्यू है 347 है दोस्तों, ROC 8.54 है, ROE थोड़ा सा दोस्तों नाखुश करने वाला, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ठीक है, PEG रेशियो दोस्तों अच्छा नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोस्तों जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखा था, फंडामेंटल थोड़े से डगमगाए हुए हैं। अब न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा टू इन्वेस्ट 3000 करोड़ इन EV बिजनेस इन नेक्स्ट फ्यू ईयर, तो ये बहुत बड़ा है दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने पैसे 3000 करोड़ डालने वाला है दोस्तों। अब बात हो गई कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, अगर क्या हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या कुछ सालों के अंदर हमें पैसा मिलेगा या नहीं, उसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में, अगर आप 2000 से यहाँ पे इन्वेस्ट है तो आपको पैसा बना के दिया है कंपनी ने, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3712%, इसको गौर फरमाना दोस्तों।
और पिछले 5 साल में अगर बात करें तो दोस्तों सिर्फ 20% का ही दोस्तों कंपनी ने रिटर्न दिया है निवेशकों को, और एक साल के अंदर तो दोस्तों नेगेटिव रिटर्न है। एक साल में तो मार्केट बढ़ा बट ये स्टॉक तो बढ़ा ही नहीं है। टाटा मोटर भी काफ़ी बढ़ा। आप बोलोगे सर अब क्यों लेना है इसको। चलिए दोस्तों अब अगर आप वेल्थ क्रिएटर स्टॉक को ले रहे हैं तो आपको देखना चाहिए लंबी अवधि का चार्ट, और 20 बरस का ये चार्ट है दोस्तों, जिसमें हमने कोविड भी देख लिया, जिसमें हमने देख लिया दोस्तों यहाँ पे लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस भी। चलिए अब 37.12% का दोस्तों रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने पिछले 20-22 सालों में दोस्तों। उसमें कंपनी का दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि डिविडेंड देती है दोस्तों, लास्ट ईयर 2020 में 8 रुपीज का डिविडेंड था, जुलाई 2020 में 2 रुपये का डिविडेंड था, 19 में 8.5 रुपये का डिविडेंड था, और 2018 में 7 रुपीज, यानी कि दोस्तों डिविडेंड तो एवरी ईयर दे रही है। अब अगर 20 सालों की बात करें तो दोस्तों कंपनी ने बोनस भी 2 बार दिया है, यानी कि अगर आपने 100 शेयर लिए होते तो वो आपके 100 शेयर कितने हो जाते दोस्तों, 200 और 400 शेयर हो जाते दोस्तों। अगर 200 और 200 400 शेयर हो जाते आपके लिए तो वो काफ़ी बढ़िया दोस्तों माना जाएगा। इवन दोस्तों वहाँ से भी कमी नहीं है, यहाँ पे देखिए 2010 में फेस वैल्यू भी डिक्रीज हुई थी, यानी कि 400 के 800 शेयर आपके पास होते दोस्तों, और आपका पैसा जो था वो 38 times यानी कि बढ़ गया होता, और आपके शेयर 100 के 800 हो गए होंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही बड़ा अमाउंट मिलेगा, और आपको लगेगा कि ये स्टॉक मल्टी बिगर रिटर्न दे सकता है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों प्रभु दास लीलाधर है वो अपना टारगेट प्राइस 1015 के आसपास दे रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल है वो 1150 का दोस्तों प्राइसिंग दे रहे हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ पैसा बनाना देखिए दोस्तों। अब बात करें दोस्तों अभी के फंडामेंटल्स के ऊपर दोस्तों, जो रिजल्ट अभी जो इक्विपमेंट्स का इक्विपमेंट वाइज जो सेलिंग आई है दोस्तों फेब्रुआरी में, तो आप देखेंगे कि दोस्तों डोमेस्टिक इक्विपमेंट और जो अपने हैं बाकी के इक्विपमेंट दोस्तों एक्सपोर्ट करने वाले इक्विपमेंट और कॉमर्शियल व्हीकल, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नेट टू नेट पैसेंजर व्हीकल में 80% का दोस्तों ग्रोथ दिखा रहे हैं, और ईयर टू ईयर में अगर देखेंगे तो 41% का ग्रोथ दिखा रहे हैं दोस्तों। कॉमर्शियल व्हीकल में भी अगर देखें तो हर जगह पे दोस्तों बहुत ही बढ़िया हमें दिख रहा है, और एक्सपोर्ट में तो वाकया बात है दोस्तों ज़बरदस्त ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर में दिख रहा है दोस्तों। और कंपनी दोस्तों बहुत पुरानी है, बहुत ही बड़ी है, बट यहाँ पे फार्म इक्विपमेंट में है जो डोमेस्टिक में है वहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी गिरावट आई है, और एक्सपोर्ट में तेजी आई हुई है, तो टोटल अगर नंबर ऑफ देखेंगे तो दोस्तों थोड़ी सी गिरावट है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ी गिरावट की वजह है, और उसी की वजह से दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों स्टॉक में हल्का सा अगर करेक्शन होता है, और महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है तो दोस्तों बाय ऑन डिप्स रखना चाहिए आपको। ये ऐसा स्टॉक जो होता है दोस्तों ऐसे बड़े ग्रुप का जहाँ भी आपको मल्टी बिगर रिटर्न दोस्तों महिंद्रा राइज ने ऑलरेडी दिए है दोस्तों, तो ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए दोस्तों, और आप यहाँ पे SIP के जरिए इसमें अपने स्टॉक को इन्वेस्ट कर सकते हैं, लंबी अवधि में बहुत ही बढ़िया वेल्थ क्रिएशन करके आपको ये स्टॉक दे सकते हैं दोस्तों। और महिंद्रा एंड महिंद्रा आप कहीं किसी को भी पूछ लो दोस्तों, मार्केट के निष्णात हो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय ही बोलेंगे दोस्तों। तो ये सारे दोस्तों मेरी पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ये वीडियो दोस्तों मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके ही आप इसमें ट्रेड या निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों LIC का IPO आ रहा है, तो दोस्तों वहाँ पे दोस्तों पैन कार्ड को जो लिंक करना था वो डेट अब चली गई है, बट दोस्तों LIC का IPO आएगा, तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, वहाँ पे एंजल वन में दोस्तों सारी सर्विसेज आपको मिल जाती है, और फ्री में डीमैट अकाउंट है, और 1 साल का EMC भी आपको देना नहीं पड़ेगा, तो फ्री में डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं वहाँ पर क्लिक करके दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों, और आशा करते हैं कि आपको महादेव की कृपा से ये स्टॉक में दोस्तों आने वाले सालों में बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिले। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।